गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 7 पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रॉड्रिक्स। इन दिस चैप्टर वी वर रीडिंग इन ऑथर्स चाइल्डहुड अ बेकर हैड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर चिल्ड्रन। व्हेन द बेकर केम इनटू द स्ट्रीट चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम फॉर चूजिंग ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल्स क्या होती हैं? रिंग शेप ब्रेड दैट इज़ फेमस इन गोवा, जो गोवा में बहुत फेमस है और बच्चे इन ब्रेड बैंगल्स को बहुत पसंद करते हैं, वो उनकी फेवरेट है। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर लेसन। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। आई कैन स्टिल, आई हेयर ही राइटर कह रहे हैं कि वो उन लोव्स की फ्रेग्रेंस को रिकॉल कर सकते हैं, इट मीन्स रिमेंबर करते हैं, उन्हें याद करते हैं। लॉव्स फॉर द एल्डर्स, इट मीन्स हेयर द राइटर इज सेइंग कि बेकर जो होते हैं उनके पास कई तरह की वैरायटी के लॉव्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए, जैसे एल्डर्स के लिए लॉव्स होती हैं, चिल्ड्रन के लिए ब्रेड बैंगल्स होती हैं, कि चिल्ड्रन जिन्हें ब्रेड बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो देन वी डिडंट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ प्रॉपरली। और फिर जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें ब्रेड बैंगल्स बहुत पसंद होती हैं और वो नहीं चाहते, मतलब वो इतना भी वेट नहीं करना चाहते हैं कि भी हम अपने ब्रश करें, अपना माउथ वॉश करें, उसके बाद हम जो है वो ब्रेड बैंगल्स खाएं। तो वो कहते हैं कि हमें इनकी कोई परवाह नहीं है, और एंड वाई शुड वी, और हमें क्यों करनी चाहिए। ठीक है, वो अपना एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, कि कौन ट्रबल लेगा कि टूथब्रश के लिए वो मैंगो लीफ को प्लक करें। इट मीन्स द ऑथर डिड नॉट लाइक एन अनप्लेजेंट टास्क ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये नेसेसरी भी क्यों है? क्यों? द टाइगर नेवर ब्रश्ड इज टीथ, कि टाइगर भी तो कभी अपने टीथ को ब्रश नहीं कर सकते। इस तरह से वो फनी एक्सक्यूज़ यहाँ पर दे रहे हैं। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरी थिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। हॉट टी इट मीन्स जब वो हॉट टी लेते हैं उसके साथ, तो वो सब कुछ क्या है, नाइसली वॉश कर देगी, क्लीन कर देगी, मतलब जैसे जैसे गर्म गर्म चाय पियेंगे तो सारा कुछ अपने आप ही साफ हो जाएगा। इट मीन्स द राइटर इज सेइंग हियर, इन दोज टाइम्स इट वॉज अ फैशन टू ईट ब्रेड with hot tea, और द ऑथर वॉज फॉन्ड ऑफ ब्रेड, वो उसके ब्रेड के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। तो यहाँ पर ऑथर एक चिल्ड्रन के फ्री लाइफ के बारे में ही बता रहे हैं कि जैसे जंगल में टाइगर फ्री घूमते हैं, उसी तरह चिल्ड्रन भी क्या है यहाँ पर, फ्री हैं। एक केयर फ्री एटीट्यूड यहाँ पर बताया गया है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फेस्ट लूजेज इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। इन दीज लाइन द ऑथर एक्सप्लेन हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज अ विलेज बेकर फॉर ऑल ओकेजन्स, कि डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पर जो बेकर हैं या उनकी ब्रेड है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंस रखती है। मैरिज गिफ्ट्स मीनिंगलेस हैं यदि उनमें स्वीट ब्रेड नहीं दी जाती है। स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, कि स्वीट ब्रेड है जिसे बॉल के नाम से जाना जाता है, वॉज यूज एज गिफ्ट इन मैरिज पार्टीज। यदि मैरिज पार्टीज़ में गिफ्ट में यदि ये स्वीट ब्रेड नहीं दी जाती है तो मैरिज गिफ्ट मीनिंगलेस समझा जाता है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फेस्ट लूजेज इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड, जिस तरह से किसी पार्टी में या किसी डिनर में यदि ब्रेड ना हो तो वह अपनी चमक अपना चार्म खो देती है, उसी तरह से मैरिज गिफ्ट भी क्या है, मीनिंगलेस है यदि उनमें एज अ गिफ्ट स्वीट ब्रेड नहीं दी जाती। नॉट इनफ कैन बी सैड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। अब देखो, नॉट इनफ कैन बी सैड, इट मीन्स हम शब्दों में उसे बखान नहीं कर सकते, शब्दों में उन्हें नहीं बता सकते हैं कि जो बेकर हैं वो विलेज में कितनी इम्पॉर्टेंस रखते हैं। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अब देखो, जब लेडीज़ हाउस की जो लेडीज़ होती हैं वो अपनी डॉटर की एंगेजमेंट पर क्या बनाती हैं, सैंडविच बनाती हैं, मतलब बिना सैंडविच के उनके ओकेजन जो है वो मीनिंगफुल नहीं लगता है। केक्स एंड बॉल इन हास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज द अदर फेस्टिवल्स। अब देखो, बॉल इन हास क्या है, ये भी एक तरह की कुकीज़ है, दैट इज़ कंपल्सरी फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स, मतलब केक्स और बॉल इन हास जो हैं वो कंपल्सरी हैं क्रिसमस पर और अदर फेस्टिवल्स पर। दस द प्रेजेंस ऑफ अ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली असेंशियल, और इस तरह से जो बेकर्स के फर्नेस की प्रेजेंस है वो विलेज में कितनी एब्सोल्युटली असेंशियल, मतलब मीन्स बहुत ज़्यादा असेंशियल है। अ बेकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड असेंशियल, असेंशियल मतलब कंपल्सरी, ज़रूरी है इन द विलेज ऑफ गोवा। सो लेट्स रिकॉल डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पर हम कौन कौन सी बेकरी यूज़ करते हैं या कौन कौन सी बेकरी यहाँ पर यूज़ की जाती है। ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, कि मैरिज गिफ्ट जो हैं
वो क्या है, स्वीट ब्रेड जो है उनमें दी जाती है एज अ मैरिज गिफ्ट, और पार्टी और फेस्ट में ब्रेड यूज़ की जाती है। इट मीन्स मैरिज गिफ्ट में मीनिंग लेस है, किसके बिना, बॉल के बिना। यहाँ हम वर्ड यूज़ करेंगे बॉल, क्लियर, कि मैरिज गिफ्ट जो है वो विदाउट बॉल के मीनिंग लेस हैं, और पार्टी और फेस्ट जो है वो उसमें क्या कंपल्सरी है, ब्रेड इज़ कंपल्सरी। एंड सैंडविचेज़ कहाँ कंपल्सरी हैं, डॉटर एंगेजमेंट की, डॉटर की एंगेजमेंट है तो सैंडविचेज़ इज़ कंपल्सरी, और उसके बाद केक्स और बालिनहास इज़ कंपल्सरी इज़ नेसेसरी इन क्रिसमस में या अदर फेस्टिवल्स में, ठीक है, कि क्रिसमस में और अदर फेस्टिवल्स में केक्स और बालिनहास कंपल्सरी हैं। Clear this tension? The baker or a bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. अब यहाँ पर writer हमें क्या बता रहे हैं, here the writer is talking about his outfits. ठीक है, अभी हमने पहले स्टेंजे में क्या किया कि कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ या रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो है वो उसको कंप्लीट नहीं माना जाता विदाउट ब्रेड बेकरी आइटम्स की, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेंजे में राइटर हमें बता रहे हैं उनकी आउटफिट के बारे में कि जो ब्रेड सेलर थे, जो बेकर थे, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा था, वो किस तरह की ड्रेस पहनते थे। वो एक ड्रेस पहनते थे, एक पिकुलियर ड्रेस होती थी जिसे कि कबई कहा जाता था। दोज डेज़ यहाँ पर किसको रेफ़र कर रहा है, पोर्चुगीज डेज में वो एक ड्रेस पहनते थे जिसको कबई कहा जाता था, और वो ड्रेस किस टाइप की होती थी, वो ड्रेस होती थी कि इट लुक्ड लाइक अ फ्रॉक, एक फ्रॉक की तरह होती थी, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होता था और वो नीज तक पूरा पहुंचता था। तो इस तरह की ड्रेस वो पहनते थे पोर्टुगीज टाइम में, जिसे कबई कहा जाता था। इन आर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लोअर देन हाफ पैंट्स। अब ऑथर के चाइल्डहुड के टाइम में जो बेकर थे वो किस तरह की ड्रेस पहनते थे, वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट, वो एक शर्ट पहनते थे और एक नीचे ट्राउज़र पहनते थे जो फुल लेंथ से थोड़ा छोटा होता था और हाफ पैंट से थोड़ा नीचे जाता था, कि इसे हम आजकल के जो टाइम में हम कैफरी भी कह सकते हैं, तो उस टाइप की वो ड्रेस होती थी, क्लियर, कि दैट इज़ द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि ऑथर के टाइम में ड्रेस कैसी होती थी और पोर्टुगीज टाइम में ड्रेस कैसी होती थी। क्लियर दिस पॉइंट, कि पोर्टुगीज टाइम में ड्रेस एक पूरी लॉन्ग फ्रॉक की तरह होती थी जिसे कबई कहा जाता था, और ऑथर के चाइल्डहुड के टाइम में या ऑथर के टाइम में जो ड्रेस होती थी वो क्या होती थी, शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लोअर देन हाफ पैंट्स। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites a comment that he is dressed like a padder. पैडर कौन है, पैडर वही बेकर जिसे हम कहते हैं, पोर्टुगीज लैंग्वेज में बेकर को पैडर कहा जाता है। तो जब भी कभी, इवन टुडे वो कह रहे हैं कि आज भी जब भी किसी ऐसे पर्सन को देखा जाता है, इट मीन्स एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट जो रिचेस जस्ट बिलो द नीज, नीज तक पहुंचती है, तो उसे एक कमेंट दे दिया जाता है, इट मीन्स उस पर कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाता है कि दिस पर्सन इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, कि इसने बिल्कुल पैडर जैसी ड्रेस पहनी हुई है। क्लियर दिस पॉइंट। The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. In these lines, the writer is telling us about the lifestyle of the baker. Ki unka lifestyle kaisa tha? The baker usually collected his bills at the end of the month. Month ke end mein बेकर जो होते थे अपना बिल कलेक्ट करते थे। देखिए जिस तरह से मिल्कमैन है वो अपना पूरे मंथ का रिकॉर्ड रखते हैं और फिर महीने के एंड में अपना हिसाब कर लेते हैं और बिल के पैसे ले लेते हैं, उसी तरह से बेकर भी क्या थे, उनका भी फिक्स्ड होता था डेली का सेलिंग का, तो वो भी क्या है, मंथली अपना बिल कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल्स, तो जो उनका अकाउंट रखने का जो वे था वो भी क्या था, कुछ डिफरेंट था। वो क्या करते थे, वॉल पर पेंसिल से अपना रिकॉर्ड रखते थे ताकि वो भूल ना जाए। मतलब जैसे अब हम क्या करते हैं, अब जो डायरी में नोट किया जाता है, तो वो इस तरह से डायरी में कुछ नोट नहीं करते थे, वो क्या करते थे, वॉल पर ही पेंसिल से अपना रिकॉर्ड रखते थे ताकि वो भूल ना जाए। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, ओल्ड डेज वही पोर्टुगीज टाइम में बेकिंग जो था वो वास्तव में ही एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होता था और इससे अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, और बेकर और उसकी फैमिली कभी भी स्टार्व होता है, रिमेन हंग्री, हंग्री कभी नहीं रहते थे। देखिए जब कोई खाने पीने वाला बिजनेस चला रहा है तो नेचुरल सी बात है कि उनको खाने पीने की कभी कोई कमी नहीं हो सकती, कि उनकी फैमिली या वो खुद कभी हंग्री नहीं रहेगा, मतलब भूखे नहीं रहेंगे।
ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, और वह उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट्स हमेशा ही क्या दिखाई देते थे, हैप्पी और प्रॉस्पेरस दिखाई देते थे, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था और वो हमेशा खुश रहते थे. देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. अब देखो उनकी plump physique. Plump physique क्या होती है? Pleasantly fat body. कि वो क्या होते थे? थोड़े से मोटे ताजे होते थे. ठीक है? उनकी क्या होती थी? Round belly होती थी. और वो क्या है जो उनकी प्लम्प फिजिक थी, वही एक ओपन टेस्टिमोनी होता है, एविडेंस होता था इस बात का कि वो बहुत खुश हैं, प्रॉस्पेरस हैं, बहुत अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं अपने बिजनेस में, प्रॉफिट कमा रहे हैं. और इवन टुडे कोई भी पर्सन यदि जैकफ्रूट की तरह उनकी फिजिकल अपीयरेंस होती थी तो उसे किससे कंपेयर किया जाता था? बेकर के साथ. अब देखो जैकफ्रूट क्या होता है? जैकफ्रूट एक तरह का वेजिटेबल है, फ्रूट है, जिसे कटहल कहते हैं, गोल गोल होता है. तो अगर जैकफ्रूट की तरह कोई दिखाई देता था या किसी की अपीयरेंस प्लम्प बॉडी है या फिर फिजिकली, तो उसे बेकर के साथ कंपेयर कर दिया जाता था. दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस पार्ट 1. थैंक यू.